भारत धरती का स्वर्ग, पवित्रता की प्रतीक नदियां, इतिहास का दस्तावेज, विविधताओं भरा समंदर, यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया, इंडिया यही तो है इंडिया, प्यारा इंडिया, हमारा इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, यही तो है, यही तो है इंडिया। हाय, वेलकम टू अनदेखा इंडिया, दिस इज बेनिका। आज मैं फिर आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन पर लेकर आई हूँ जिसके बारे में अक्सर टूरिस्ट नहीं जानते। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस न्यू डेस्टिनेशन। दम साध कर खड़े हो सकते हैं आप यहाँ, शायद डूबते सूरज की आवाज सुनाई दे जाए। अपनी बाहों को फैला लीजिए, शायद सूरज की लाली आपके हाथों में आ जाए। शाम ढलते ही डूबते सूरज के खूबसूरत रंगों में समाने लगता है परवानू। तब सूरज का तिलिस्म एक कविता हो जाती है जो हमारे रूह में उतरने लगती है। एक ऐसा लम्हा जब हम सूरज की खुशबू महसूस कर सकते हैं इस जगह पर जिसका नाम है परवानू। परवानू, द लैंड ऑफ सनसेट। कालका शिमला हाईवे पर हिमालय के आंचल में शिवालिक पहाड़ियों के बीच बसा वो छोटा सा ग्रामीण कस्बा। हिमाचल प्रदेश में फैली हिमालय की खूबसूरत वादियों में आने वालों के लिए परवानू गेटवे है। लेकिन शिमला जाने वाले सोचते हैं कि यहाँ क्या होगा, लेकिन कभी आप यहाँ रुककर तो देखें। एक्चुअली परवानू इज मस्ट फॉर एवरी टूरिस्ट। परवानू में सभी कुछ तो है जो मन को बांधने के लिए काफी है। उड़ते हुए बादलों की सरसराहट जैसे अभी अभी कान को छूकर निकली हो, ठंडी ठंडी हवाएं जैसे अपने पंखों पर उड़ा ही ले जाएगी, मौसम का रोमांस जैसे आज कैद कर लेगा। परवानू का खास अट्रैक्शन है ये ट्रॉली, एक उड़न खटोला जो हमें ले जाता है बादलों की गोद में। ये ट्रॉली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार चक्कर लगाती रहती है। हसीन वादियों में ट्रॉली का ये सफर लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। ये दूरी ट्रॉली में बैठकर सिर्फ 8 मिनट में तय की जा सकती है। ट्रॉली में बैठकर ऐसा अनुभव होता है जैसे हम पहाड़ों पर उड़ रहे हैं। पास से गुजरते ये पहाड़, बस मन करता है कि अभी इन्हें छू लें। ट्रॉली से हम सचमुच अनदेखा भारत देख सकते हैं। ऊपर पहुंचने पर आप ऊंचाई से वादी का नजारा देख सकते हैं। डूबते सूरज की अद्भुत छटा इसमें 4 चांद लगा देती है। ये ऐसा नजारा है कि ऐसा लगता है कि इसे अपनी आंखों में भरकर आंखें